खत्म हो गया मोहब्बत का ये किस्सा। किस्मत है, चलो मामा जी को खुशखबरी सुना दें। शर्त पूरी कर ली बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। बाबूजी, क्या अब मैं आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूं, सपने देख सकता हूं, मिल सकता हूं उससे? शर्त पूरी नहीं हुई है। क्यों बाबूजी? ये रुपए मेरे हैं बाबूजी। माँ ने पैसे भिजवाए थे लेकिन मैंने नहीं लिए, सुमन की कसम। बाबूजी ये पैसे मेरे हैं बाबूजी। सुमन, शर्त रुपए कमाने की थी, कागज के टुकड़े नहीं। इन रुपयों का क्या मोल, ये तो गल चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। गौर से देख, इनमें से कईयों के तो नंबर भी मिट चुके हैं। इन गले हुए रुपयों से तू मेरी बेटी को क्या दे सकता है? कुछ नहीं, दो वक्त की रोटी भी नहीं। बाबा, नहीं चाहिए मुझे दो अक्की रोटी। बाबा, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? एक महीने तक दिन रात एक करके भूखा रहकर प्यासा रहकर जिसने ये पैसे कमाए, तुम्हें उसके हाथों के जख्म नहीं दिखाई दिए, दर्द से भीगे हुए आंसू नहीं दिखाई दिए, दिखाई दिए तो सिर्फ ये भीगे हुए नोट। सुमन, बाबा अगर इन रुपयों का मोल नहीं तो दुनिया में किसी चीज का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं बाबा। नहीं बाबूजी, सुमन की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये तो मेरा प्यार है जो इसे धीरज खाने पे मजबूर कर रहा है। मुझे एक मौका और दीजिए बाबूजी, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं फिर से कमाऊंगा बाबूजी, मैं फिर से पैसे लाऊंगा, और इस बार मैं वादा करता हूं बाबूजी, मैं वादा करता हूं कि नोट भीगेंगे नहीं, नोट भीगेंगे नहीं बाबूजी। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। तू जीत गया रे, तू जीत गया, तेरा और इम्तिहान नहीं लिया जाता मुझसे प्रेम, नहीं लिया जाता सुमन, तेरे प्यार का और इम्तिहान मुझसे। ये रुपए तो अनमोल है बेटा, तेरे प्यार की जीत हुई। कितना तड़पाया है मैंने तुझे, कितना तड़पाया है ना।